ये देखिए, ये नाश्ता देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। नीचे इसमें क्रिस्पी सी लेयर है और अंदर हमने इसमें दी है चीजी सी वेजिटेबल्स की फिलिंग, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इन पिज्जा कप्स की रेसिपी को आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, रेसिपी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में लेंगे छोटे साइज का बारीक कटा हुआ एक प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है आधा टमाटर बारीक कटा हुआ। ध्यान आपको ये रखना है कि टमाटर के अंदर के बीजों को हटा देना है और सिर्फ उसकी स्किन को ही यूज करना है। इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है पिज्ज़ा सॉस। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच पिज्ज़ा सॉस लिया है। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप शेजवान चटनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉस या चटनी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना तीखापन है उसी हिसाब से आप डालें। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ मोजरेला चीज़ डाल देती हूँ। थोड़ा सा मोजरेला चीज़ हम रोक लेंगे टॉपिंग्स के लिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। बेलन की मदद से हमें स्लाइस को बेलना है। ध्यान ये रखना है कि हमें एक साथ हर तरफ से बेलना है, तो चारों कॉर्नर्स पे हमें इसे एक साथ बेलन की मदद से बेल लेंगे। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश होगी तो ये आसानी से बेल जाएगा। इसके बाद मैं एक कटोरी की मदद से इसे गोल शेप में कट कर लूंगी। आप यहाँ पर किसी भी ढक्कन का या कुकी कटर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अपने सारे ब्रेड स्लाइस को गोल शेप में काट लिया है। इसके बाद हम बटर लेंगे और ब्रेड के एक साइड पर हमें बटर अप्लाई करना है। दोनों साइड पे बटर अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक साइड पर ही सारे स्लाइस के ऊपर हम बटर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है अप्पा पैन। जिस ब्रेड स्लाइस पे हमने बटर लगाया था उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और जहाँ पर बटर नहीं है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सेट करते हुए हम अप्पे पैन में इसे रख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से कटोरी की शेप में बन जाएगा और इसी तरह से मैं अपने सारे ब्रेड को अपने पैन में सेट कर लूंगी। तो यहाँ पर हमने जो स्टफिंग तैयार की थी इन्हें हम ब्रेड के अंदर भर देंगे। स्टफिंग को हमने भर दिया है। इसके बाद जो हमने मोजरेला चीज रोकी थी टॉपिंग्स के लिए, थोड़ी थोड़ी सी मोजरेला चीज भी इनके ऊपर हम रख देते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम रखा है मीडियम लो, ज्यादा तेज फ्लेम पर इसे नहीं रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसे बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ही आप इसे चेक कर लें और आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसे नीचे से चेक करने के लिए मैं एक स्पून की मदद से इसे निकाल लेती हूँ और आप देख ही सकते हैं कि ये नीचे से भी बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। तो हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।